Morning with Farah. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ए टी वी मॉर्निंग में। इस्लामाबाद में भी पूरे मुल्क की तरह सर्दी का सख्त ज़ोर चल रहा है आजकल, और धुंध जो है लगातार काफ़ी दिनों से, पीछे 3-4 दिनों से तो मुसलसल है। उसका मतलब ये होता है कि फिर दिन सुबह, मतलब इस वक्त तक जब हम शुरू कर रहे हैं तो धुंध ही धुंध होती है हर तरफ। दिन में कहीं 1-2 मिनट के लिए, कोई 1-2 घंटों के लिए सूरज कहीं शक्ल दिखा दे 3-4 घंटे के लिए, और 4 बजे से फिर यही सूरत हाल और माहौल जो है वो शुरू हो जाता है। सो बहुत ज़रूरत है कि हम अपना बहुत ख्याल रखें। आज हम इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ाहिर है मौसम ऐसा है, और फिर जो एक अफसोसनाक और परेशान कुन बात है वो पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर जिक्र होना शुरू हो गया कि जी कोविड का एक स्ट्रेन है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, और यूरोप में वाकई उसने खास लोगों को नॉर्थ अमेरिका कैनेडा वाली साइड पे मुतासर किया है। एहतियात करने की ज़रूरत हमें हमेशा हर हाल में रहती है। अपना बहुत ख्याल रखें और खुशबाश रहें। एक लफ्ज़ जो है जो कि हम जिसकी तकरार अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो है मोहब्बत। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जिसकी तलाश में इंसान ना रेगिस्तान और सहरा तक छानने के लिए तैयार हो जाता है, और जब रेगिस्तान और सहरा तक छानने के लिए तैयार हो जाता है तो ज़ाहिर है शराब से वास्ता तो पड़ता ही पड़ता है। शराब इस तलाश का एक बिल्कुल लाजमी जज्बा है, इसलिए कि हमें, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम वी ऑलवेज़ आर इन लव विद द आइडिया ऑफ लव। हमें एक फ़र्जी सी, एक जिसे कहने ख्याली सी, एक कोई तसव्वुराती सी कोई शख्स या शख्सियत जिसकी तलाश होती है, खोज होती है, और उसको हम मुख्तलिफ़ लोगों में ढूंढते हैं और तलाश करते हैं। मैं ये बात करूँ उस टिपिकल मोहब्बत की जिसके नतीजे में बहुत सारी तबाही होती है, और इस तबाही के बारे में हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते। ये है लड़का और लड़की, मर्द और औरत। सो ज़िंदगी में ये क्राइटेरिया एक बहुत अपना पक्का रखें, और उसके लिए आपको याद होगा जब हम पिछली दफ़ा शो किया करते थे तो डॉक्टर सदाकत एक जो है उन्होंने एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि इसका एक ही क्राइटेरिया, और वो ये है कि आप ये देखिए कि दूसरा आपके लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार है, और जब भी कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो अगर वो तैयार है उसके लिए तो इसका मतलब है कि वो उस शख्स पे निस्बतन भरोसा किया जा सकता है, आजमाने की हद तक उसे आजमाइश में डाला जा सकता है। लेकिन मतलब इसका, मैंने भी उस वक्त यही समझा था कि इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत कारोबारी सी बात हो गई, यानी पैसे का क्या लेना देना हुआ इस मामले में। लेकिन ट्रस्ट मी, ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ मुझे भी ये बात समझ में आई है कि जो चाह है ना मोहब्बत, उसका कोई तराजू नहीं है, उसका कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई मयार नहीं है। उसको जांचने का, परखने का एक वक्त कसौटी है, और वक्त बाज़ों का जब गुज़रता है इतनी देर हो चुकी होती है कि हमें अगर उस वक्त तजर्बा हाथ आ भी जाए तो नुकसान हो चुका होता है, और जो हमारा तजर्बा है उसे किसी और ने इस्तेफादा करना नहीं होता। तो एक ही उसका तराजू है, चाह। चाह जो है वो बताती है कि आपकी जो परवाह है वो आप कितनी कर रहे हैं दूसरे की, उससे पता चलेगा कि चाह कितनी है आपको। सो अगर कोई परवाह नहीं करता ना, आप कॉलें कर रहे हैं और वो कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, मैसेजेस कर रहे हैं और उसका जवाब लेट आ रहा है या नहीं दिया जा रहा, या फिर ये कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, या आपकी कोई ज़रूरत है, तकलीफ़ है, परेशानी है, उस वक्त कोई शख्स मौजूद नहीं है, या फिर ये कि सिर्फ बातें ही बहुत ज़्यादा की जा रही हैं लेकिन कोई अमली एक्शन जो है वो नहीं है, तो वो तमाम हमें समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बातें ज़्यादा हैं और परवाह कम है, तो चाह भी कम है। एनी वे, ऑल द बेस्ट। ज़िंदगी में चूँकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल और मयार होता है जहाँ पे कि हमने इस मामले को डील करना होता है, हम दूसरों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हों, अगर हम वो ख़ुद भी करना शुरू कर दें तो इस दुनिया में एक ऐसे इंसान का इजाफा हो जाएगा जो हो सकता है किसी दूसरे के लिए उस कंफर्ट का और उस एक जज्बे के हसूल का ज़रिया और बाइस बन जाए जिसकी तलाश हमें खुद रहती है। और वो ये कि हम भी सिर्फ बातें करने के बजाय परवाह करना शुरू कर दें अपने माँ बाप की भी, और हर उस रिश्ते की जो हमसे जुड़ता है, उसे हमसे कोई ना कोई चीज़ जो है वो चाहिए होती है। वो एहतराम की सूरत में है, वो वक्त की सूरत में है, वो बच्चे हैं तो पैसों की सूरत में है, लेकिन जिसको जो भी चाहिए हम उसे पूरे खलूस से, पूरी नीयत से और पूरी दयानतदारी से दें ताकि उन्हें ये यकीन हो कि हम उनकी चाह रखते हैं और परवाह जो है उसमें कमी ना आने दें। जी हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे, और आज के प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बातें जो हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक पहले, और उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात।
तेरे गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कराए मॉर्निंग विद फराह।